رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ على أصداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود پڑھیں بار محمد و آل محمد. احکام شرعی کے حوالے سے چند مسئلے نماز جماعت کے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. پہلی چیز، نماز جماعت کی نیت ہے. بہرحال جماعت کی تاکید کو آپ بخوبی جانتے ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نماز جماعت سے ہو
तो ज़रूरी है कि वो नियत में इमाम जमात को मुय्यन करे। नहीं, सिर्फ़ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं जमात से नमाज पढ़ रहा हूँ, इशारा करना काफ़ी है कि ये जो इमाम पढ़ा रहा है इसके पीछे पढ़ रहा हूँ। नाम लेना, सिफात, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन नियत में इस चीज़ को आके मुय्यन करे कि एक शख्स के पीछे जमात से नमाज पढ़ रहा है। दूसरी चीज़, जब इंसान नमाज में इख्तिदा करता है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि इमाम जमात रुकू में है और हम जाके इख्तिदा करते हैं। अगर इमाम जमात रुकू में है और आप इख्तिदा कर रहे हैं, तो अगर आप रुकू में इमाम तक पहुंच गए, वलो उसका ज़िक्र ख़त्म हो चुका है, वो ज़िक्र रुकू कह चुका है, उसके बाद आप पहुँचे, लेकिन रुकू में आप पहुँच गए, आपकी जमात सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को यकीन होता है, इत्मीनान होता है कि वो रुकू में इमाम जमात तक पहुँच जाएगा, लेकिन जिस वक़्त वो रुकू में जा रहा होता है इमाम तक नहीं पहुँच पाता, इमाम उससे पहले रुकू से उठ जाता है। तो अगर इसको इत्मीनान था कि ये इमाम तक पहुँच जाएगा, शर्त ये कि इत्मीनान हो, अगर हालत शक में है तब नहीं, अगर इसको इत्मीनान था कि ये जमात में पहुँच जाएगा लेकिन नहीं पहुँच पाया, इमाम जमात उससे पहले रुकू से पलट आए, तो यहीं पर ही अपनी नमाज को फुरादा कर लेगा। नमाज इसकी सही है, ये एक रकत हो गई, इसने हम दो सूरा नहीं पढ़ा लेकिन ये एक रकत हो गई, लेकिन जमात में ये मुत्तसिल नहीं हो सकता क्योंकि जमात में नहीं पहुँचा है, इसके बाद ये फुरादा अपनी नमाज पूरी कर देगा। लेकिन अगर इसको शक था कि ये पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा और नहीं पहुँच पाया, तो इसकी जमात से नमाज बातिल है, वहीं पे छोड़ देगा, दूसरी रकत में चाहेगा इख्तिदा करेगा, चाहेगा फुरादा पड़ेगा, जैसे दिल चाहे। इसी से मुत्तसिल एक मसला होता है सजदे में और रुकू में, कभी कभी ऐसा होता है। देखिए, ज़रूरी है दूसरी तीसरी रकत में जब इमाम के साथ पढ़ रहे हैं कि इमाम के बाद रुकू में जाए, इमाम के बाद सजदे में जाए या साथ में जाए। पहले अगर जाएगा तो जमात नहीं होगी, नमाज फुरादा हो जाएगी, लिहाजा या इमाम के साथ साथ जाए या इमाम के बाद जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ये समझता है कि इमाम ने सर उठा लिया रुकू से, सर उठा लिया सजदे से, उठ जाता है, लेकिन अभी इमाम जो है वो सजदे में या रुकू में। तो यहाँ पर अगर उसको इत्मीनान है कि मैं अगर दोबारा सजदे में जाऊँगा तो इमाम अभी भी सजदे में है, मिसाल के तौर पर इमाम सलवात पढ़ रहा है, इमाम की आदत नहीं थी सुबहान रब्बी अलअज़ीम में कह के उठ जाते थे, तो इमाम ने सुबहान रब्बी अलअज़ीम में कहा और आप भी उठ गए, लेकिन उस दिन उन्हीं ने सलवात पढ़ दी, तो दोबारा इंसान जाके उनके साथ शरीक हो जाए। तो यहाँ पे आप एतराज़ करेंगे, भाई दो रुकू हो गए, रुकू तो रुकन है, रुकन के बढ़ने से नमाज बातिल हो जाती है, यहाँ पे बातिल नहीं होती, ये जमात की खसूसियत है। इसी तरह सजदे में भी, अगर सजदे से सर उठाया और इमाम जमात सजदे में है तो दोबारा इंसान पलट के उसके साथ शरीक हो जाए ताकि जमात बाकी रहे। तो ये चंद मसले हैं जमात से लेके सलवात पढ़ी पर मोहम्मद वाले। सूरह मुबारक नहल आयत नंबर 97 के, जिसमें परवरदिगार एक आम खिताब और तमाम मोमिनीन से एक अहम पैगाम भेज रहा है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिनुन, कोई भी मोमिन अगर अमल सालेह बजा लाएगा, फलनुहयिन्नहु हयातम तय्यबा, हम उसको हयात तय्यबा अता करेंगे। कल आपकी खिदमत में हयात तय्यबा की कुछ निशानियां बयान की, क्योंकि इसी आयत के आखिरी हिस्से में परवरदिगार अजर का के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। वलनज़ियन्नहुम, और जो इंसान हयात तय्यबा पर फ़ायज़ होगा हम उसको जजा देंगे। लेकिन ये ना समझना कि हमारी जजा उसके अमल के मुताबिक होगी, उसने जो अमल किया है हम उसको उतनी ही जजा देंगे।
नहीं, अगर इंसान हयात तैयबा पर फायज हो गया है तो लनजियन्नहुम अजरहुम, बेशक हम उसको उसका अजर देंगे, बे अहसने मा कानू या मलूम, जो उसने अमल अंजाम दिया है उससे कहीं बेहतर, उसने सोचा भी नहीं होगा। ये अहसन अजर क्यों दिया जा रहा है? कहा यह अहसन अजर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये इंसान हयात तैयबा पर फायज है। और अगर इंसान गौर करे तो वाकई परवरदिगार जो अजर उसको देता है वो अजर अहसन ही होता है। उसकी वजह यह है, हम कोई भी अमल कर लें हमारा अमल महदूद होगा। अगर इंसान पूरी उम्र भी सजदा करता रहे बहरहाल उसका सजदा महदूद होगा, लिमिटेड होगा, कहीं से शुरू होगा कहीं पर ख़त्म होगा। लेकिन परवरदिगार जब उसको उसका अजर देता है तो अजर लामहदूद होता है। सिर्फ इतना अजर नहीं देता कि तुमने अगर एक साल सजदा किया है तो हम तुम्हें एक साल ही जन्नत में भेजेंगे, नहीं, तुमने जो अमल किया है वो मादी दुनिया के एतबार से महदूद था, लेकिन आओ मेरी रहमत में करार पाओ, हम तुम्हें ऐसा अजर देंगे कि वो लामहदूद होगा, वो जावेदा होगा। जब तक तुम्हारी सोच बाकी रहेगी, जब तक तुम्हारा वजूद बाकी रहेगा, हमारा अजर बाकी रहेगा। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वजह क्या है? इसकी वजह एक अजीब है। एक हमारा अमल है, दूसरी परवरदिगार की जजा है। हमारा अमल नतीजा है हमारे काम का, परवरदिगार की जजा नतीजा है परवरदिगार की रहमत की। तो भाई जैसा करने वाला होगा वैसे ही उसका अमल होगा। इसीलिए ताकीद की गई है बहुत सी रिवायात में कि फाइल का फेल करने वाले का काम उसके एतबार से देखा जाता है, करने वाले का काम उसके एतबार से देखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको कहीं और नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब आपको जंग खंदक में समझ में आएगा कि करने वाले का फेल उसके एतबार से होता है, यानी जैसा करने वाला होगा उसके एतबार से उसका अमल सवाब रखेगा, उसका अमल पूरी तरह से परवरदिगार को कबूल होगा, उसके अमल की उतनी ही अहमियत होगी। इससे एक नतीजा और लेना चाहिए कि इंसान ईमान के जिस दर्जे पर फायज होगा उसके एतबार से उसके अमल में असर दिखाई देगा। ऐन मुमकिन है वो एक सजदा करे लेकिन उसका एक सजदा पूरी जमीन और आसमान को मुनव्वर कर देगा। लेकिन हो सकता है कि इंसान बहुत बड़ी बड़ी इबादत अंजाम दे लेकिन उसकी ये इबादत वो असर ना ला पाए जो इस इंसान के एक सजदे ने ला दिया। क्यों? क्योंकि ये अमल करने वाला अजीम था। मशहूर रिवायत आपने बारहा सुनी है, लज़रबतु अलीयिन यौम अल-खंदक अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन। अली इब्न अबी तालिब की एक ज़रबत इबादत सक़लैन से अफजल है। या रसूल अल्लाह, ये एक ज़रबत इबादत सक़लैन से कैसे अफजल हो सकती है? इबादत सक़लैन में तमाम इंसान शामिल हैं, तमाम अंबिया शामिल हैं, जिन्नात शामिल हैं, इतनी इबादतें एक तरफ, एक ज़रबत एक तरफ, ये कैसा अमल है कि जिसमें परवरदिगार इतना वज़न आ रहा है? शायद रसूल पलट के जवाब दें, ए इंसान तू अमल की क्वांटिटी को ना देख,
तू ये ना देख कि ये एक जरबत है, तू ये देख इस जरबत का चलाने वाला कौन है। अगर चलाने वाला अली इब्ने अबी तालिब होगा तो जैसा करने वाला होता है उसी के एतबार से उसके अमल का असर होता है। अगर अली की एक जरबत होगी वो पूरी कायनात की इबादत के ऊपर भारी हो जाएगी। अब अगर अली मुसल्ले इबादत पे खड़े हो जाए तो उसका क्या असर होगा। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो जैसा फाइल होता है, जैसा करने वाला होता है उसी के एतबार से उसका अमल होता है। इसीलिए बार बार ताकीद की जाती है कि अपने ईमान के दर्जात को बढ़ाइए। क्यों? इसलिए कि भाई नमाज तो रोज आपको 70 ही रकत पढ़ना है, रोजे तो आपको एक ही महीने रखना है, खुम्स तो आपको एक लिमिटेड मकदार में ही निकालना है। फिर इसका सवाब कैसे बढ़ेगा? कहा सवाब ऐसे बढ़ेगा कि अगर दिन ब दिन तुम्हारी मारिफत में तरक्की होती चली जाएगी, नमाज तुम वही 70 रकत पढ़ोगे लेकिन उसके सवाब में इजाफा होता चला जाएगा, उसके सवाब में इजाफा होता चला जाएगा। कहा कैसे? कहा क्योंकि हम अमल को आमिल के एतबार से देखते हैं, करने वाले के एतबार से देखते हैं। तो एक हमारा अमल है मन अमेला, हर वो शख्स जो अमल करे, इंसान है अमल कर रहा है। दूसरी तरफ आयत क्या कह रही है? वलनजियन्नहुम, हम उसको जजा देंगे। फर्क ये है कि ये इंसान जो अमल कर रहा है ये खुद इंसान महदूद है, जब महदूद है तो इसका अमल भी महदूद होगा। उधर से जो जजा दे रहा है वो लामहदूद है, जब जजा देगा तो जजा भी लामहदूद होगी। इसीलिए तुम अमल महदूद करोगे लेकिन परवरदिगार लामहदूद जजा देगा। तुम्हारा अमल हमेशा महदूद होगा। क्यों? तुम मुमकिन हो तुम वाजिब तक नहीं पहुंच सकते। तुम कितनी भी इबादतें कर डालो तुम्हारी इबादत महदूद होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन जब परवरदिगार जजा देगा तो क्योंकि जजा देने वाला लामहदूद है तो उसकी जजा भी लामहदूद होगी। राबता है अजीब अमल करने वाले में और उसके अमल में। तो आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जब इंसान हयात तैयबा पा लेता है, एक नई जिंदगी उसको मिल जाती है, तो अब उसके ऊपर कुछ आसार मुतरतिब हो जाते हैं। इस इंसान के अंदर कुछ खसूसियात आ जाती हैं। दो खसूसियात कल आपकी खिदमत में इसको बयान किया। पहली कि इंसान की जिंदगी एक हकीकी जिंदगी हो जाती है। इंसान की जिंदगी फिर मजाजी जिंदगी नहीं रहती, हकीकी जिंदगी हो जाती है। हक और बातिल को पहचानने का तरीका आ जाता है और यह इंसान हयात तैयबा के ऊपर फायज हो जाता है। दूसरी खसूसियत, अगर इंसान हयात तैयबा पे फायज होता है तो परवरदिगार इसे मुस्तजाबुद दावा बना देता है। क्यों? कहा जब तुम हयात तैयबा पा गए तो अब हमें मालूम है जब तुम दुआ करोगे तो क्योंकि तुम्हें हयात तैयबा मिल चुकी है हम तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया करेंगे। तीसरी खसूसियत, अगर इंसान हयात तैयबा पा जाए परवरदिगार उसको करामत की जिंदगी अता करता है। यह कुरानी मसला है कि जिसे समझना पड़ेगा कि करामत की जिंदगी है क्या। कोई इंसान कोई किताब लिखे, आप उससे सवाल करेंगे कि जनाब आपकी किताब का टॉपिक क्या है। जो भी किताब लिखी जाती है उसका कोई ना कोई टॉपिक तो ज़रूर होता है। किसी इंसान की कोई खसूसियत है वो उसके बारे में किताब लिखेगा। हर किताब बहरहाल एक मौजू और एक टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है। अगर यही सवाल हम आके कुरान से करें कि कुरान ये बताओ तुम्हारा टॉपिक और मौजू क्या है, कुरान का मौजू क्या है, आप अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करिए
वन्नास के चलते चले आइए, आयात इलाहिया की तिलावत करते जाइए, कहीं ना कहीं तो आपको इसका टॉपिक मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं तो पता होना चाहिए ये किताब कौन सी किताब है। क्योंकि जो मौजू होता है, खसूसियत गौर करिए क्या होती है, जो किताब का मौजू और किताब का टॉपिक होता है, जो भी उसमें जिक्र किया जाता है वो उसी चीज की तरफ पलटता है। अगर एक किताब आजादारी के बारे में लिखी जाए, आपने भाई इस किताब का टॉपिक आजादारी है, तो जो भी उसमें होगा वो पलट के किधर आएगा, आजादारी की तरफ आएगा। अब उसके हट के अगर उसमें कुछ आ जाए तो आप कहेंगे भाई अजीब बेरब्त बात आपने जिक्र कर दी, इसका आपकी किताब से क्या रब था। तो जो भी किताब का टॉपिक होता है, किताब की तमाम बातें आखिरकार उसी की तरफ जाकर पलटती हैं। अगर हमें कुरान का मौजू पता चल जाए, अगर हमें कुरान का टॉपिक पता चल जाए, तो समझ में यह आ जाएगा कि कुरान की तमाम आयात उसी की तरफ पलट रही हैं। वो एक सेंटर है, वो एक मरकज है कि जिधर कुरान की तमाम आयात पलटेंगी। कैसे पता लगाएं कि कुरान का मौजू क्या है, कुरान का टॉपिक क्या है। जो सबसे पहली आयात नाजिल हुई है इसी पे गौर कर लीजिए। सबसे पहले कौन सी आयात नाजिल हुई, मशहूर सूरह मुबारक अलक की शुरू की आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। इन आयात से इब्तिदा हुई वही की, वही का सिलसिला यहां से शुरू हुआ। लेकिन बात की वजाहत से पहले एक मिसाल दे दूं ताकि मतलब बिल्कुल रोशन हो जाए। अजीजों, आप में से सभी तकरीबन ऐसे हैं कि उन्हें किसी न किसी स्टेज में वो स्कूल कॉलेज गए हैं, और स्कूल और कॉलेज का तरीका ये होता है कि अगर किसी ने आके सवाल किया कि फला क्लास में कौन पढ़ा रहा है, और किसी ने पलट के जवाब दिया कि भाई साइंस का टीचर पढ़ा रहा है, तो आप उससे ये सवाल नहीं करेंगे क्या पढ़ा रहा है। भाई अगर साइंस का टीचर है तो क्या पढ़ाएगा, फिर वो मैथ्स नहीं पढ़ाने लगेगा, वो साइंस ही पढ़ाएगा। खुद टीचर की जो खसूसियत होती है उससे टॉपिक पता चल जाता है। कुरान का टीचर कौन है, का कुरान को भेजने वाला परवरदिगार है। इन्हीं आयात में अगर हम गौर कर लें कि जिस परवरदिगार ने इन आयात को नाजिल किया है उसने अपनी खसूसियत क्या बयान की है, अगर हमें खसूसियत समझ में आ जाएगी तो कुरान का टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, ए नबी आप पढ़िए, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, उस परवरदिगार के नाम से कि जिसने इस कायनात को खल्क किया है। इकरा वरब्बुकल अकरम, ए नबी आप पढ़िए क्योंकि आपको परवरदिगार अकरम पढ़ा रहा है। परवरदिगार अकरम का मतलब क्या है, वो परवरदिगार आपको पढ़ा रहा है जो करीम है। अगर करीम परवरदिगार पढ़ाएगा तो करामत ही पढ़ाएगा, कुछ और नहीं पढ़ाएगा। अगर करीम परवरदिगार पढ़ा रहा है तो वो करामत का ही दर्ज देगा। जिस तरह से अगर साइंस का टीचर है वो साइंस ही पढ़ाएगा, तो वो रब्बुकल अकरम अगर रब्बे अकरम पढ़ाएगा तो वो करामत का ही दर्स देगा। नहीं, क्या यही काफी है, मैं और मिसालें दे रहा हूं कुरान से आपकी खिदमत में। परवरदिगार ने कुरान को किस सिफत से आके नवाजा, सूरह वाकिया में क्या कहा, इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान किताब करामत है, ये कुरान करीम है। यही नहीं कहा, नहीं, ये नबी जिसके कल्ब पर हम कुरान को नाजिल कर रहे हैं वो नबी क्या है, का नबीयुन करीम, वो नबी नबी करीम है। कहा यही नहीं, वो मलाइका जो कुरान को परवरदिगार से लेकर इस नबी के कल्ब पर नाजिल हो रहे हैं वो मलाइका भी मलाइका करामत है,
कुरान ने उनकी भी सिफत को करीम बताया। अजीजों अजीब सिलसिला है, परवरदिगार करीम ने मलाइका करीम के जरिए से किताब करामत को नबी करीम के कल्ब के ऊपर नाजिल करके बता दिया कि ये पूरा का पूरा सिलसिला करामत का सिलसिला है। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। जो पढ़ा रहा है वो करीम है, जिनके जरिए भेज रहा है वो करीम है, जिस नबी पर नाजिल कर रहा है वो करीम है, जिस किताब को भेज रहा है वो किताब करामत है। जो कुरान की आखिरी आयात हैं, कौल मशहूर की बिना पर सूरह मुबारक हुजरात की ये आयत, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, मशहूर कौल की बिना के ऊपर जो आखिरी आयात नाजिल हुई हैं उनमें से ये आयत है। जो शुरू में आयात नाजिल हुई हैं उसको इस आयत से मिलाइए। अजीब किताब है कुरान, शुरू में भी दर्से करामत है, इंतहा में भी दर्से करामत है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, तुम्हारे दरमियान सबसे ज्यादा करीम वो शख्स है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। अब एक मसले के ऊपर गौर करिए, परवरदिगार मकसद खिलकत को मुत्तकी बनना नहीं बता रहा है। भाई यही तो समझा जाता है, भाई मेहनत करिए मुत्तकी बन जाइए। लेकिन अगर इस आयत में आप गौर करेंगे तो परवरदिगार ये नहीं कह रहा है मुत्तकी बन जाइए। क्यों? क्योंकि परवरदिगार ये कह रहा है कि देखो हमारे नजदीक जो चीज आती है वो तकवा नहीं आता है, करामत आती है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह, जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा करीम है, यानी परवरदिगार करामत को देखता है, लेकिन करामत तक पहुंचने के लिए तकवा जरूरी है। तकवा रास्ता है, मकसद नहीं है, मकसद करामत है। तकवा इख्तियार करोगे तब करीम बन जाओगे, तब ये मकसद पूरा होगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार जिस चीज को चाहता है वो करामत है। अब इन तमाम बातों से एक चीज आपके लिए रोशन हो गई होगी, हयाते तैयबा हमें करामत अता करती है, लेकिन ये करामत है क्या? भाई ये तो वाजे होना चाहिए। कुरान का पूरा मौजू और टॉपिक करामत, इंसान को खल्क करने का मौजू ये है कि वो करीम बन जाए। इन्ना अकरम, करीम ना बल्कि अकरम बन जाए। करीम और अकरम में क्या फर्क है? जो देखिए कहते हैं ये इंसान क्या है, आलिम है, लेकिन कहा जाता है नहीं, ये मुश्तहिद क्या है, आलम है। आलिम और आलम में क्या फर्क है? का आलिम तो बहुत से होते हैं, लेकिन आलम वो है जो टॉप पर हो। का करीम और अकरम में यही फर्क है, करीम बहुत से लोग हो सकते हैं लेकिन अकरम वो होगा जो टॉप पे होगा। का अजीजों हम तुमसे ये चाहते हैं न सिर्फ करीम बनो बल्कि अकरम बनो। अकरम बनो यानी उस मरहले के ऊपर फायज हो जाओ कि जो सबसे बेहतर नजर आओ। और हयात तैयबा इंसान को यहां लाके खड़ा कर देती है। तो ये करामत है क्या? उर्दू जबान में मैं इतनी देर से इस लफ्ज को रिपीट कर रहा हूं, तकरीबन मुझे यकीन है कि आपके जहन में जो करामत का माना आया होगा वो क्या है। आपके जहन में करामत का माना यही आया होगा कि अगर कोई फकीर दरवाजे पे आ जाए और आप उसको 500 रुपए का नोट दे दें, गरचे ये बहुत कम होता है, कहीं कितना करीम इंसान है। हमारी जबान में करामत का माना होता है बख्शना, जो जितना ज्यादा बख्श दे वो इतना बड़ा करीम है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम आपको क्या कहा जाता है? आपकी एक सिफत है करीम। और जैसे ही इमाम का नाम आता है हमें कुछ याद नहीं आता सिवाय दस्तरखान के।
क्यों? कहा बख्शते थे, बहुत ज्यादा बख्शते थे, खाना खिलाते थे लोगों को, पैसा देते थे। ये उर्दू वाला करीम है, अरबी वाला करीम नहीं है। कुरान देखिए करीम किसको कह रहा है। अगर करामत का माना इतना महदूद होता तो क्या ये माना मकसद कुरान बन सकता है? वो करामत जो मकसद कुरान बन जाए, वो करामत कि जिसके लिए परवरदिगार इंसान को खल्क करे, उसका माना इतना महदूद नहीं होगा। अल्लामा तबातबाई अलैहि रहमा फरमाते हैं कि देखो करामत का जो सही माना है वो क्या है। कहते करामत का मतलब यह है कि इंसान अपने आप को हर पस्ती से निकाल कर इतनी बुलंदी पे लाके खड़ा कर दे कि अपने परवरदिगार के अलावा किसी को देखे ही ना, इसे कहते हैं करामत। अजीजों, खुदा की राह में बख्श देना ये करामत का एक असर है, न कि करामत इसी के अंदर महदूद है। जो इंसान इतनी बुलंदी के ऊपर पहुंच जाता है, बड़ी आसानी से लोगों को अता कर दिया कर देता है, लेकिन हम ये समझ बैठते हैं कि करामत यानी बख्शिश करना, लेकिन करामत का मतलब यह है कि अपने आप को पस्तियों से निकालकर इतनी बुलंदी के ऊपर पहुंचा दो कि तुम्हारे दरमियान और खुदा के दरमियान कोई वास्ता ना रह जाए। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसे कहा जाता है करामत। और जब इंसान इस दर्जे के ऊपर फायज होता है, यानी हयात तैयबा मिल चुकी है, तभी तो हयात तैयबा मिलती है। अब अगर इंसान कभी खुदा को भूलकर किसी और के दरवाजे पे जा रहा है, कुरान की आयात अजीब हैं। सूरह मुबारक यूसुफ की तिलावत करिए, आयत 111-12 के बाद से पहले परवरदिगार नबी को खिताब करता है, कहता है ए नबी आप परेशान न होइए, ये सब के सब ईमान लाने वाले नहीं हैं। ए नबी ये सब ईमान नहीं लेके आएंगे। इसका मतलब यह है कि ईमान लाने वाले कुछ कुछ होते हैं। फिर उसके बाद एक आयत छोड़ के उसके बाद वाली आयत में कुरान कहता है कि ए नबी ये लोग जो ईमान लेके आए हैं इसमें से अक्सर मुशरिक हैं। कभी आपने सुना है किसी मोमिन को मुशरिक कहा जाए? अजीब बात है, हम और आप अगर किसी मोमिन को मुशरिक कह दें तो उसे गुस्सा करने का हक है, लेकिन अगर परवरदिगार मोमिन को मुशरिक कह दे। और अजीब आयत है, इन मिनहुम इल्ला व अक्सरहुम मुशरिकून, नहीं है इनमें से मगर ये कि अक्सर मुशरिक है। अजीब बात है, बारे इलाह ये लोग ईमान लेके आए हैं तो इन्हें मुशरिक कह रहा है। शायद जवाब आए, कहा देखो शिर्क दो तरह का होता है, कि हयात तैयबा पाने के लिए ये मतलब समझना बहुत जरूरी है। एक होता है शिर्क जली यानी रोशन शिर्क, एक होता है शिर्क खफी छुपा हुआ शिर्क। कहा शिर्क जली से तो तुम निकल चुके हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुके हो, रसूल की रिसालत के ऊपर गवाही दे चुके हो, इमाम की विलायत को मान चुके हो, शिर्क जली से तो तुम निकल आए, लेकिन अभी तुम शिर्क खफी में गिरफ्तार हो। इंसान आया, घर बंद था, या कभी कभी आपने देखा जिन लोग पास गाड़ी, उन्हें तजुर्बा हुआ होगा, जो गाड़ियां ऑटोमेटिक लॉक हो जाती हैं, कभी कभी इंसान चाबी उसी में भूल जाता है, गाड़ी को लॉक कर देता है। अब क्या होगा, जाना है, अब जाएंगे किसी को पकड़ के लेके आएंगे, वो आएगा किसी तरह से ताला खोल के आपका काम हल कर देगा। अब जब बड़ी देर के बाद, एक दो घंटे घूमने के बाद आपका ये काम हो जाता है, तो जब आप उसे पैसे देने लगते हैं तो आप एक जुमला कहते हैं, भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप न होते तो आज हम यहीं खड़े रह जाते। ये जुमला मुंह से निकला, परवरदिगार शायद मुस्कुराए, कहे ऐ बंदे इतने जल्दी मुझे भूल गया,
अगर मैंने इसका इंतजाम न किया होता तो तेरी ये मुश्किल कहां से हल होती। तू ये भूल जाता है कि पूरी कायनात में परवरदिगार का इरादा काम कर रहा है। अगर इरादे इलाही को भूलकर इंसान को अपना असल समझ लिया तो समझ लेना अभी तौहीद इलाही के ऊपर खड़े नहीं उतरे हो। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ऐलान समाज फरमा लें, आशूर के दिन के अमाल इसी मस्जिद में इंशाअल्लाह जो कि नमाज के बाद होते थे इस साल 11:30 बजे नमाज से पहले होंगे। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग मौजूद नहीं हैं उन तक भी खबर पहुँचा दें, क्योंकि हर साल क्योंकि ये आमाल नमाज के बाद होते थे तो बहुत से लोगों के जहन में यही होगा कि वो नमाज के बाद आएँ, और ऐन मुमकिन है कि अगर ख़बर उन तक न पहुँचे तो वो नमाज के बाद आएँ और उनके आमाल छूट जाएँ। तो लिहाजा आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई है जो आमाल में शरीक होता है और आपको पता है कि ये ऐलान उस तक नहीं पहुंचा है तो इंशाल्लाह उस तक ये ऐलान पहुंचाइएगा कि इस साल आमाल आशूर के दिन 11:30 बजे इंशाल्लाह इसी मस्जिद में अंजाम पाएंगे। एक मरतबा दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसे कहते हैं करामत इलाही। अगर इंसान इस तरह से तौहीद के ऊपर फायज होता है और करामत इलाही के दर्जे के ऊपर पहुँच जाता है तो परवरदिगार से बहुत नज़दीक हो जाता है। रसूल अकरम हैं, परवरदिगार की इबादत में मशगूल हैं। एक मरतबा मौलाए कायनात पहुँचते हैं, या रसूल अल्लाह अली के लिए भी दुआ कर दीजिए। अजीब बात है अजीज़ों, कौन किससे दुआ के लिए कह रहा है? या अली आप खुद दुआ कर लीजिए, आप खुद मुस्तजाबुद दावा हैं। शायद अली जवाब दें, तुझे नहीं मालूम अगर नबी दुआ करेंगे तो इसमें बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मौला ने अपनी अर्ज को पेश किया, रसूल सिजदे में गए और एक मर्तबा रसूल ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बेहक अली इस्तग़फिर ले अली। ऐ बारे इलाहा तुझे अली का वास्ता, अली के दर्जात को बुलंद कर दे। अब दुआ तो मौलाए कायनात सुन रहे थे, जब दुआ हो चुकी और सर उठाया, कहा या रसूल अल्लाह मेरा ही वास्ता देना था तो मैं खुद ही दुआ कर लेता। कहा अली तुम्हें नहीं मालूम मैं जब सजदे इलाही में गया तो मैंने कहा कि बारे इलाहा अगर दुआ करूंगा तो तेरा तरीका ये है कि किसी वास्ते से मांगूंगा तो जरूर कबूल होगी। अरे जब रसूल वास्ते से मांग रहा है तो तुम्हें वास्ते से मांगने पर क्यों एतराज हो रहा है? या तो नबी से आगे बढ़ गए हो या नबी के दीन से बाहर निकल गए हो। यही दो सूरतें मुमकिन हैं। जब नबी वास्ते से मांग रहा है तो वो इंसान जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है उस पर जरूरी है कि पहले वास्ता तलाश करे फिर अपनी दुआ मांगे। दुरूद पढ़ मोहम्मद। कहा अली मैं जब सिजदे में गया तो मैंने ये इरादा किया कि परवरदिगार से वास्ते से मांगू। मैंने तमाम आसमानों का मुशाहिदा किया, तुमसे ज्यादा खुदा से नजदीक कोई नहीं नजर आया। तमाम जमीनों का मुशाहिदा किया, तुमसे ज्यादा खुदा से नजदीक कोई मुझे नहीं नजर आया। जब तुम खुदा से सबसे नजदीक नजर आए तो तुम्हारा ही वास्ता देकर तुम्हारे लिए दुआ कर दी। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क्यों ऐसा है? ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि अली इब्न अबी तालिब मकाम अकरम के ऊपर फाइज हैं।
یہ مقام کرامت انسان کو پروردگار سے اتنا نزدیک کر دیتا ہے۔ علامہ نے کیا کہا؟ کہا کرامت کا مطلب بخش دینا نہیں ہے، کرامت کا مطلب اپنی جیب سے کچھ نکال کے کسی کو دے دینا نہیں ہے، کرامت کا مطلب یہ ہے تمام پستیوں کو کاٹ کر، تمام نیچائیوں سے اٹھ کر اتنی بلندی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ کہ ملائکہ بھی تمہارے نشان قدم کو چوم نہ سکے۔ اسے کہتے ہیں کرامت کہ جو حیات طیبہ کے سائے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اثر، چوتھا اثر حیات طیبہ کا، انسان کو پروردگار ایک نور عطا کر دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، صحیفہ سجادیہ میں دعا فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی نورا یمشی بہی فی الناس، بار الہ مجھے ایسا نور عطا کر دے کہ جس کے ذریعے میں لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزاروں۔ یہ نور کیسے عطا ہوتا ہے انسان کو؟ حیات طیبہ کے سائے میں۔ عجیب بات ہے عزیزوں، جس نور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس نور سے بہت ہٹ کر ہے۔ آیت الہی کیا ہے؟ تقریباً 40 منٹ ہو گئے مجھے، لیکن جو یہ 10 منٹ میں ابھی میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کی توجہ چاہیے، اگر توجہ ہوگی تو شاید بات حل ہو جائے، نہیں تو بات حل نہیں ہونے والی۔ مسئلہ یہ کہ اب میرے پاس وقت ہی نہیں بچا ہے، کل آپ میں سے چند لوگ یہاں نظر آئیں گے، لیکن پھر بھی ایسے ہی بیان ایسے ہی ہوگا، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ سورہ مبارک نور، ایک مشہور آیت، آیت نمبر 30، اللہ نور السماوات والارض، بارہا آپ نے آیت سنی۔ جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پروردگار زمین اور آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پروردگار آسمان اور زمین، اللہ نور السماوات والارض، پروردگار اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ نعوذ باللہ، پروردگار سورج ہے، کیا ہے؟ بہت بڑی کوئی لائٹ ہے؟ یہ زمین اور آسمان کا نور، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ جب یہاں پہ ترجمہ کرنے چلے تو دیکھا ترجمہ تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ پروردگار آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو انہیں نے آ کے ترجمہ یوں کیا، جو انگلش کے ٹرانسلیشن ہے اس میں بھی جا کے دیکھیے گا، انہیں نے کہا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار زمین اور آسمان کو نور دینے والا ہے۔ اگر پروردگار کو یہی کہنا ہوتا، اس کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، وہ کہتا اللہ منور السماوات والارض، منور یعنی نور دینے والا۔ بھائی جب عربی میں یہ ورڈ موجود ہے تو اس کی جگہ پروردگار نے لفظ نور کیوں رکھا؟ کچھ تو فرق ہوگا۔ روشن وضاحت کس بات کی کرنا ہے؟ کہ حیات طیبہ سے انسان کو نور ملتا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ پروردگار زمین اور آسمان کو نور دینے والا ہے، نہیں، پروردگار اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار زمین اور آسمان کا نور ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، اگر ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ پروردگار نور دینے والا ہے تو یہاں پر تین چیزیں ہوں گی، ایک نور دینے والا ہوگا، ایک شے ہوگی جو نور لینے والی ہوگی، اور ایک دونوں کے درمیان رابطہ ہوگا جو خود نور ہے۔ بھائی تبھی تو آپ کہیں گے نور دینے والا، یہ لائٹ ہم کو نور دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں، ایک یہ لائٹ ہے، ایک ہم ہیں،
एक हमारे और इसके दरमियान जो नूर है जो हमें इससे रब्त दे रहा है, तो कम से कम तीन चीजें तो होंगी। अजीजो जैसे ही तुमने इस तरह से माना किया, समझ जाओ कि तुम शिर्क में गिरफ्तार हो गए, क्योंकि तुमने परवरदिगार के मुकाबले में भी लाके किसी को खड़ा कर दिया। अल्लाह के मुकाबले में कोई चीज आ ही नहीं सकती। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार है, उसकी तजल्ली से ये पूरी दुनिया कायम है। कहीं दो समझ के एक राब्ता ना समझ लेना, तुम्हारा राब्ता और ये नूर एक ही चीज है। बात भी वाजे नहीं हुई है, मैं भी मिसाल दूंगा और बहुत सुकून से बगैर वजाहत के उतरने वाला भी नहीं हूं। शायद पहले कभी मिसाल दे चुका हूं, क्योंकि ये कभी कभी याद नहीं रहता कि ये बात कहां पढ़ी। अभी आप यहां तशरीफ फरमा है, हम भी मिंबर पे मौजूद हैं, एक हम हैं और एक आप। हमारे और आपके दरमियान एक रابطہ है या नहीं? यहां कई चीजें हैं, आप बहुत ही आराम से हैं क़िबला, तीन चीजें हैं भाई, आप हैं, हम हैं और हमारे और आपके दरमियान एक रابطہ है। अभी इसी को जरा सा बदल दीजिए, एक लम्हे के लिए आंख बंद करके मेरी तस्वीर अपने जहन में ले आइए। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं नहीं हूं आपके सामने, बल्कि मेरी तस्वीर आपके जहन में मौजूद है। ये काम आपको करना पड़ेगा तभी बात वाजे होगी। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि अब बताइए कई चीजें हैं, अगर आपने कहा तीन तो गलत। क्यों? क्योंकि जब आप किसी तस्वीर को अपने जहन में लेके आते हैं तो फिर उस तस्वीर और आपके दरमियान कोई राबिता नहीं होता, वो तस्वीर ऐने राबिता होती है। दलील ये है, अगर आप जरा सी तवज्जो उससे हटा देंगे तो वो तस्वीर जहन से चली जाएगी, लेकिन अगर आप यहां से उठ के चले जाएंगे, मैं भी बाकी रहूंगा, आप भी बाकी रहेंगे। अगर तीन चीजें हैं तो तीन चीजों में अगर राबते को खत्म कर दोगे तो ये दोनों अपनी जगह पे बाकी रहेंगी। अगर दो चीजें हैं, ये दूसरी ऐने राबता है, तो अगर ये राबता खत्म होगा इसका मतलब वो चीज भी खत्म हो जाएगी। परवरदिगार और इस कायनात का राबता ऐसे नहीं है कि एक अल्लाह है एक दुनिया है, दोनों के दरमियान राबता है कि अगर राबते को खत्म कर दो तो अल्लाह अपनी जगह बाकी, दुनिया अपनी जगह बाकी। ऐसा नहीं है, ये दुनिया बिल्कुल परवरदिगार से रब्त की तरह है। अगर उसकी तवज्जो जर्रा बराबर हट जाए, दुनिया उसी लम्हे खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं नूर इलाही। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो जहन में आपके तस्वीर है, अगर आप जरा सी उससे तवज्जो हटा दें, क्या होने वाला है? क्या तस्वीर रहेगी? कहा नहीं रहेगी। आप फिर तवज्जो करिए, फिर तस्वीर आ जाएगी। फिर तवज्जो को हटाइए, फिर तस्वीर चली जाएगी। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज का मतलब यह है कि यह कायनात सिर्फ और सिर्फ नूर इलाही और तवज्जो इलाही के ऊपर टिकी हुई है। अगर परवरदिगार तवज्जो को हटा ले, ये कायनात खत्म हो जाएगी। मिसाल तुम्हें दे के ये बता दिया, कहा देखो कहीं ये ना समझना कि परवरदिगार को खल्क करने में 6 दिन लग जाते हैं, परवरदिगार को कयामत के लाने में 1000 साल लग जाएंगे। नहीं, जिस तरह तुम सोचते हो शय खल्क हो जाती है, तवज्जो हटाते हो शय खत्म हो जाती है। परवरदिगार कुन कहता है खल्क हो जाती है, तवज्जो हटाता है खत्म हो जाती है। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर इंसान हयात तैयबा पे फायज होता है तो परवरदिगार उसे इस तरह का नूर अता कर देता है। और उस नूर की निशानी क्या होती है? उस नूर की निशानी यह होती है कि इंसान को अपने परवरदिगार पर एतमाद हो जाता है। जंग का जमाना है, एक मर्तबा फरिश्ता वही लेके नाजिल होता है, या रसूल अल्लाह आपके दरमियान किसी ने जासूसी की है।
और मुसलमानों की खबर को लेकर दुश्मनों तक भेजने की कोशिश की गई है। तो ये ना समझिएगा जासूसी आज के जमाने में हो रही है, ये पुराना तरीका है। रसूल ने बुलाया, मौलाए कायनात को बुलाया और कुछ और शख्सियतों को बुलाया और सबसे कहा कि देखो परवरदिगार ने मुझे खबर दी है फला खातून मुसलमानों की रिपोर्ट लेकर मदीने से निकली है, जाओ उससे वो खत वापस लेके आओ। ये कारवां चला, जाके उस खातून को रास्ते में रोका, एक सहाबी आगे बढ़े, कहा रसूल ने कहा है कि तुम्हारे पास कोई खत है। उसने इनकार कर दिया। इन्हीं ने थोड़ा ताकीद से कहा, उसने फिर इनकार कर दिया। साहब सुन गया ऐसी कोई बात नहीं, पीछे आ गए। मौलाए कायनात ने कहा दूसरे से कहा कि आप जाके पूछिए, शायद ये हकीकत को बता दे। एक और सहाबी आगे बढ़े, जाके उससे सवाल किया, उसने इनकार कर दिया। अब ये खातून है, मसला भी बड़ा अजीब है कि किस तरह से समझे कि ये मुसलमानों का खत लेके जा रही है या नहीं जा रही है। जब दो तीन लोग फेल हो चुके तो अब मौलाए कायनात आगे बढ़े। जो जुमला है मुझे वो सिर्फ जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना है। मौला आगे बढ़े, नूर की बात देखिए कि अली किस नूर के साथ आगे चल रहे हैं। आगे बढ़े और जाने के बाद जुमला कहा ए खातून, मुझे अपने नबी पर पूरा भरोसा है, मेरा नबी झूठ नहीं कह सकता, लिहाजा जो उसने कहा है वही होगा, या तो हकीकत को खुद से बता दे नहीं तो इस तलवार से मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। अली का यह जुमला कहना था, उस खातून ने अपने बालों में छुपा हुआ खत निकाल के अली के हवाले कर दिया। फर्क क्या हुआ? फर्क यही है, अगर जो लोग पहले जाके सवाल कर रहे थे उनके पास भी नूरे इलाही होता तो वो भी इतने इत्मीनान से सवाल करते, इतने एतमाद से सवाल करते। जब नूर ही नहीं होगा तो भटकते हुए नजर आओगे, जब नूरे इलाही के साथ चलोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो गए, आखरत में भी कामयाब नजर आओगे। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों ये सिफात जो आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगर इन सिफात की अहमियत हमें समझ में आ जाए तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी को छोड़कर बस एक काम करेगा। वो क्या होगा? वो ये होगा कि हमें हयाते तैयबा पाना है। अब एक बात जो मैं शुरू से इरादा करके आया था कि आपकी खिदमत में अर्ज करना है, दो मिनट में आप इसको सुनिए। क्या हम और आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि जो हमारी जिंदगी का तौर तरीका है इसके जरिए हम हयात दय्यबा पा लेते हैं? इसी जिंदगी के तौर तरीके से क्या हम हयात तय्यबा पा सकते हैं? हयात तय्यबा का जिक्र बड़ा खूबसूरत है, हयात तय्यबा की निशानियां बड़ी उम्दा हैं, हयात तय्यबा की बातें बड़ी दिलनशीन हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का कोई फायदा नहीं मगर ये कि इंसान इरादा करे कि हमें हयात तय्यबा पाना है। और हयात तय्यबा पाने के लिए बगैर मेहनत किए मिलने वाली नहीं है। और अजीब मामला है, जो हमारे शरी अहकाम हैं, आपने देखा और आज भी आपने देखा कि मैं शुरू में दो मसले बयान करता हूं ना, मेरे ये दो मसले बयान कर देने से बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है और ना ही मेरे बयान न करने से मेरा बहुत ज्यादा वक्त बच जाएगा और मैं फजाइल के दो और जुमले पढ़ दूंगा, लेकिन ये तवज्जो दिलाना है फकत एक चीज की तरफ, वो ये है कि ये जो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद,
इसमें आने वाला इंसान अगर बेदीन आए तो इस फर्श से दीनदार बन के निकले, ये इसकी खसूसियत है। और उस वक्त तक इंसान दीनदार नहीं बन सकता जब तक अपनी जिंदगी में पेश आने वाले शरई मसाइल की रियायत ना करे। ये मुमकिन नहीं है। यानी यहां से बात शुरू होती है, हम तो हयात तैयबा पे खत्म हो रही है। अरे खत्म तब होगी जब शुरू होगी। जो ट्रेन अभी स्टेशन से चली ही नहीं है, आप पूछ रहे किबला पहुंची या नहीं पहुंची। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेन बिल्कुल टाइम पे पहुंचती है, हमारे हिंदुस्तान का स्टाइल ही यही है, क्या किया जाए, बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगी, 4 बजे पहुंचना है, बिल्कुल 4 बजे पहुंचेगी, बस डेट चेंज हो गई होगी, 14 तारीख के बजाय 15 तारीख होगी, तो ये टाइम से पहुंची है। कहीं टाइम से नहीं पहुंची किबला, तो पूरा 24 घंटे लेट है। और कभी कभी क्या होता है, जिस वक्त उसे जिस स्टेशन पे पहुंचना चाहिए, आप जब जाके चेक करते हैं पीएनआर नंबर डाल के, तो पता चलता है ट्रेन अभी स्टेशन से चली ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही वाकया हयात तैयबा को भी लेके है। अजीजों 9 दिन से हयात तैयबा जो इंतहाए जिंदगी है इंसान है, इसको बयान करने से पहले इसके पर गौर करना जरूरी है। हयात तैयबा तब मिलेगी जब तुमने शुरुआत की हो। अगर शुरुआत ही नहीं की है तो ये बातें सिर्फ सुनने के लिए तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बाद में वही इंसान होगा, वही चीज होगी। शुरुआत कहां से होगी? का शुरुआत मसाइले शरिया से होगी। किसी ने इमाम से सवाल किया, हजरत अली अलैहिस्सलाम, कहा मौला मुत्तकी किसे कहते हैं? बहुत सवाल किया जाता है ना, मुत्तकी किसे कहते हैं? इतनी अच्छी तारीफ पेश की इमाम ने, कहा मुत्तकी उसे कहते हैं जो हलाल और हराम का पाबंद हो। इससे ज्यादा कुछ का जो हलाल और हराम का पाबंद हो वो मुत्तकी है। जिसे हलाल और हराम पता ही नहीं वो पाबंद कहां से होगा? गौर किया आपने? मुत्तकी बनने के लिए नहीं खल्क किया गया है। मुत्तकी बनना तो जरिया है, पहुंचना हयात तैयबा तक है। अगर इंसान, कितनी बड़ी गलती हो जाती है, बस ये आखिरी मिसाल, कितनी बड़ी गलती हो जाती है। एक बादशाह है, कुछ वक्त के लिए आता है और उस वक्त में बहुत से लोगों से मुलाकात करता है। बड़े खूबसूरत महल में उसका तख्त बिछाया जाता है। बड़ी मेहनत के बाद एक इंसान को चंद मिनट उससे मुलाकात करने का टाइम और अपॉइंटमेंट मिलता है। अब ये इंसान 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही जाके दरवाजे पे खड़ा हो गया, इंतजार कि मुझे बादशाह से मिलना है। वक्त हुआ, दरवाजा खुला, तशरीफ लाइए। जब दरवाजे से अंदर गया, जहां बादशाह तशरीफ फरमा है, बड़ा लंबा फासला है, चल के जाना है, क्योंकि खूबसूरत जगह है तो लिहाजा हर तरफ फुलवारियां सजी हुई है, खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, लेकिन ये रास्ता है। जब इंसान इस महल में दाखिल होता है, भूल जाता है किससे मुलाकात करने के लिए आया है, इन फुलवारियों को देखने में मशगूल हो जाता है, इन फव्वारों को देखने में उसका दिल लग जाता है। अब इस रास्ते में जो खूबसूरतियां थी, जब उसमें वो दिल लगा लेता है, थोड़ी देर बाद याद आता है कि करने तो कुछ और आया था। अब जैसे ही मुतवज्जे हुआ, कहा जाता है जनाब टाइम खत्म हो गया, वापस तशरीफ ले आइए। रास्ता अलग है, मकसद अलग है। अगर रास्ते को मकसद बना लोगे कभी कामयाब नहीं होगे। मुत्तकी बनना रास्ता है, मकसद नहीं है। अगर इस रास्ते के जरिए हयात तैयबा पाली तो
तब मकसद पूरा होता है, नहीं तो इंसान इसी रास्ते पे चक्कर लगाता रह जाता है। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरुआत रास्ते की कहां से होती है? इस रास्ते की शुरुआत हलाल और हराम से होती है। अजीजों ये तो यहां मुमकिन नहीं है मैं तौजील मसाइल लेके बैठ जाऊं और हर वक्त पूरे मसाइल आपके सामने बयान करने लगूं। गरचे अगर ये करूं तो गलत नहीं है, लेकिन आप इजाजत देंगे? एक साहब बड़ी लंबी मजलिस पढ़ा करते थे, तो कभी कभी ये होता था कि जो मस्जिद का मुतवल्ली था वो आता था, उनको चाबी देता था कि क़िबला जब खत्म कीजिएगा तो ताला लगा दीजिएगा। तो यही हमारे साथ भी होगा। अभी तो हम दो मसले बयान करते हैं, अगर तौज़ुल मसाइल लेके बैठ जाएं तो यहाँ के जो मुतवल्ली साहब हैं वो चाबी देंगे क़िबला जब ऊपर जाइएगा तो बाहर बंद करके जाइएगा। लेकिन अगर ये गलत होता, हयात तैयबा की शुरुआत यहीं से करना है। जितनी बातें मैंने आपकी खिदमत में इन दिनों में अर्ज की सब मुकदमा थी, बात ही कहां शुरू हो पाई? अभी तो सिर्फ आप ये देख रहे थे है क्या। अजीजों पानी की डिफिनेशन बयान करना अलग होता है, किसी को पानी लाकर दिखा देना यह भी अलग होता है। जब पानी किसी को पिला दो तब वो समझ पाता है कि पानी की हकीकत क्या है। अभी तो सिर्फ पानी को अल्फाज के जरिए आपको बताया जा रहा है, ना अभी हमने देखा है ना पिया है। जब सिर्फ अल्फाज के जरिए से हयात तैयबा को बयान किया जा रहा है तब आपको लग रहा है कि कितनी अजीम चीज है, कितनी मारिकतुल आरा चीज है। लेकिन जिस दिन उस इंसान की जियारत हो जाए कि जो हयात तैयबा के ऊपर फायज है, तब मसाला कुछ और होगा और मसाला बहुत अजीम हो जाएगा। जब इंसान खुद हयात तैयबा के ऊपर फायज हो जाएगा, जब इंसान खुद हयात तैयबा के ऊपर फायज होता है तो अजीजों फर्क यह होता है कि मुर्दे को जिंदा कर देता है, बहरे को कान दे देता है, गूंगे को जबान दे देता है, कायनात में तसर्रुफ करके बता देता है कि हयात तैयबा के ऊपर फायज हो जाओ, कायनात तुम्हारा सिजदा करने लगेगी। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसे कहते हैं हयात तैयबा, और इसके लिए इंसान को शुरू करना पड़ेगा। शुरू किए बगैर तो इंतहा होने वाली नहीं है अजीजों, कहीं ऐसा ना हो दोबारा अगला साल आए और हम और आप बैठ के दोबारा इन्हीं बातों को तकरार करें और फिर आप वाह वाह कहें। तो कब तक ये इस तरह हम चलते रहेंगे? दो तरह की हरकत होती है, कभी यूं और कभी यूं। जब इंसान यूं चलता थकता दोनों में है, चाहे आप पहाड़ पे चलिए चाहे आप पहाड़ का तवाफ करिए, दोनों सूरतों में इंसान थकता है। बस फर्क यह है कि जब तवाफ करता है तो जहां से शुरू करता है वहीं पर खत्म करता है, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ता है तो बहुत नीचे होता है, इतना ऊंचा पहुंच जाता है कि हर चीज उसके सामने नीची हो जाती है। दोनों सूरतों में थकराव होता है। इसीलिए अजीजों जब भी अमल करने चलिएगा उससे पहले अपने ईमान को चेक कर लीजिएगा। शर्ते अमल ईमान है, इसीलिए कायनात में बड़े बड़े सिजदा करने वाले नजर आए, बड़े बड़े नमाजी नजर आए, लेकिन जब वक्त आया तो ऐसे इंसान के मुकाबले में खड़े हो गए कि जिसके ऊपर नमाजों को नास था, ऐसे इंसान के सामने सफ बना के खड़े हो गए कि जिसके सदक़े में परवरदिगार ने कायनात को खल्क किया था। अजीजों अय्याम अज़ा के आखिरी दिन आ रहे हैं। आज हम और आप एक ऐसे जवान का गम मनाने बैठे हैं जिसकी उम्र कुल 18 बरस है, लेकिन हयात तैयबा पे फायज है। एक जुमला कह रहा हूं गौर कीजिएगा। ज़ियारत आशूरा जब आप पढ़ते हैं
زیارت عاشورا میں ایک سلام ہے کہ جس کو کہا گیا ہے کہ 100 بار کہو, کیا ہے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ بتائیے کیا اولاد حسین میں جناب علی اکبر شامل نہیں ہیں؟ لیکن وہ نوجوان اتنی عظیم حیات طیبہ کے اوپر فائز تھا کہ زیارت میں اس کا نام الگ سے ذکر کیا گیا. علی ابن الحسین سے مراد امام سجاد نہیں ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین, علی ابن الحسین سے مراد شہزادہ علی اکبر ہیں. زیارت عاشورا امام باقر علیہ السلام نے روایت کی, حدیث قدسی ہے. مولا یہ الگ سے نام کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ تم سمجھو نبی رسول کی اہمیت, شبیہ رسول کی اہمیت کیا ہے. زائر حسین ہیں ملا عباس, اصفہان کے رہنے والے ہیں, بڑے شہدائی ہیں, بڑے مولائی ہیں. ہر سال زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں. پروردگار ہمیں بھی بار بار زیارت کی توفیق عطا کرے. ایک سال ملا عباس کی مالی حالت ذرا خراب ہو جاتی ہے, اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ زیارت پہ جا سکے. جب کاروان چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کاروان میں ملا عباس نظر نہیں آ رہے ہیں. جو کاروان کا سردار تھا وہ پہنچتا ہے ملا عباس کے گھر پہ, ملا عباس اس سال حسین کی زیارت کے لیے نہیں چلو گے؟ ملا عباس سر جھکا دیتے ہیں, دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن سامان سفر تیار نہیں ہے. کہتا ملا عباس اتنے سال تم اپنی محنت سے زیارت پہ گئے, اس سال میں تمہیں زیارت پہ لے کے چلتا ہوں. جب کوئی حسین کا شیدائی بن جاتا ہے تو امام راستہ خود بخود بنا دیتے ہیں. ملا عباس کارواں کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ کارواں دھیرے دھیرے کربلا سے نزدیک پہنچتا ہے. عزیزوں آپ کو پتا ہے آج کون سی شب ہے؟ آج شب جمعہ ہے. اس شب جمعہ کو ذہن میں رکھیے گا. شب جمعہ وہ رات ہے جس رات میں میرے مولا حسین کی زیارت مستحب ہے. تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو جمعے کی رات میں میرے حسین کی زیارت کرنا, اگر کچھ نہ کر پانا تو اپنے گھر کی چھتوں پہ جا کے حسین کی قبر کی طرف رخ کرنا, ایک بار کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ. آدھی رات کے قریب ملا عباس کربلا کے نزدیک کے کارواں پہنچتا ہے. ایک مرتبہ ملا عباس, اب کارواں رک جاتا ہے, دو منزلیں باقی ہیں کربلا تک پہنچنے کے لیے. ایک مرتبہ ملا عباس کو دھیان آتا ہے کہ آج تو شب جمعہ ہے. کاروان والوں کو جمع کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو, دیکھیے اس کو کہتے ہیں سمجھداری. حیات طیبہ کے لیے عرض کیا تھا سمجھداری. جمع کرتے ہیں لوگوں کو, اے زائران حسین آج شب جمعہ ہے, ہم حسین کے حرم سے کچھ ہی دور ہیں, اگر آج رات یہاں نہ رکیں اور اپنے سفر کو آگے بڑھائیں اور آج حسین کے حرم میں پہنچ جائیں تو کتنا اچھا ہے. سارے زائر بات کو قبول کرتے ہیں,
जब बात सही होती है तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। जाहिर बात को कबूल करते हैं, वो कारवां जो अभी रुक गया था दोबारा चलना शुरू करता है और आधी रात के करीब हुसैन के हरम में पहुंच जाता है। मुल्ला अब्बास कहते हैं, मैं सब जायरों के साथ हरम इमाम में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जियारत की, जियारत करने के बाद हम हरम के सहन में आए और आने के बाद जायरों ने कहा, मुल्ला अब्बास तुम तो हुसैन के नौहा खा हो, अरे जरा एक नौहा पढ़ो, हम यहाँ पर मातम कर लें। मुल्ला अब्बास अपनी बयाज निकालते हैं, नियत करते हैं, जो नौहा आएगा वही पढ़ूंगा। अरे अजीजो गजब हो जाता है, मुल्ला अब्बास जब अपनी डायरी खोलते हैं, एक मर्तबा अली अकबर का नौहा सामने आ जाता है। मुल्ला अब्बास जनाब अली अकबर का नौहा पढ़ते हैं, मातम होता है, आजादारी होती है, हुसैन के जाहिर क्रिया करते हैं, उसके बाद सब अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। अजीजो दिल थाम के सुनो, एक मर्तबा मुल्ला अब्बास कहते हैं, मैं अपने खेमे में सो रहा था, एक मर्तबा खेमे के दरवाजे पे दस्तक हुई, मुल्ला अब्बास उठो, मैं उठा, जैसे ही उठा तो देखा एक अरब है, एक शख्स है, कहता है मुल्ला अब्बास अरे उठ के बैठ जाओ, मौला हुसैन तुम्हारी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। मुल्ला अब्बास एक बार कहते हैं, मैंने सोचा अरे क्या हो गया, अरे हुसैन क्यों मेरी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। मैं उठ के बैठ गया, बस अभी बैठा ही था कि एक मर्तबा एक नूर मेरे सामने आया, मैंने अपने आप को उसके कदमों पे गिरा दिया। अरे मौला, गुलाम से कह दिया होता, गुलाम ज़ियारत के लिए आ जाता। इमाम आगे बढ़ते हैं, मुल्ला अब्बास को उठाते हैं, मुल्ला अब्बास अरे नहीं, हमें खुद आना था, दो बातें तुमसे कहना थी, इसलिए हमें आना पड़ा। अरे वो दो बातें क्या है मौला? अजीब दो बातें कहते हैं, मुल्ला अब्बास जब इस्फहान वापस जाना, मेरे शियों को ये पैगाम दे देना, अरे जो कोई ज़ाहिर हुसैन होता है, हम दोबारा उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। अगर कोई हमारी ज़ियारत के लिए आता है, हम उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। मौला अरे दूसरी बात क्या है? हुसैन रुक जाते हैं, सर को झुकाते हैं, मुल्ला अब्बास अरे दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखना, आइंदा अगर हमारी ज़ियारत को आना और शबे जुमा पड़ जाए, अली अकबर के मसाइब मत पढ़ना। मौला अरे क्या मसाइब गलत पढ़ दिए? नहीं मुल्ला अब्बास, मसाइब सही पढ़े, लेकिन शबे जुमा मेरी दुखियारी माँ आती है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। मुल्ला अब्बास अरे शबे जुमा मेरी पहलू शिकस्ता माँ ज़ियारत के लिए आती है। अरे जब से तुमने अली अकबर का नौहा पढ़ा, ज़हरा को गश आ गया। मुल्ला अब्बास अगर शबे जुमा अली अकबर के मसाइब न पढ़ना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। अरे क्या बात है अली अकबर के मसाइब में? हाजा धारो मसाइब के दो गोशे सुन लीजिए और खुदा हाफिज। एक मर्तबा मौला है, आगे बढ़ते हैं, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम है, तैयार होकर रन की तरफ रवाना है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि दो ऐसे ख्याम से लोग निकले कि जिस तरह से भरे घर से लाशा निकलता है, एक इमाम हुसैन और दूसरे अली अकबर। अली अकबर को बीबियों ने विदा किया, अली अकबर निकलते हैं, अली अकबर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक मर्तबा आहट मिलती है, पलट के देखते हैं, अजीब मंजर है, बूढ़ा बाप है पीछे पीछे चला आ रहा है। अरे बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया, शायद हुसैन ने जवाब दिया हो, अली अकबर अगर बाप होते समझ लेते जवान को रुखसत करना कैसा होता है।
जजाकुम रब्बुकुम खैरन जजा। आजीजो शहजादा रन में जाता है, अजीब जंग करता है, वापस आता है, दोबारा जाता है। बस अजीजो एक मर्तबा आवाज आती है, या बते अलैका मिन्नी सलाम, बाबा आपको अली अकबर का सलाम हो। आजीजो एक पर्ची थी जो अली अकबर के सीने में लगी, हुसैन आगे बढ़े, अजीब बात हो गई, मौला आगे बढ़ते जाते हैं, या अली कहते जाते हैं, किसी तरह से लाश के करीब पहुंचते हैं, अली अकबर, अरे किस तरह से मैं तुम्हें रुख्सत करूं। एक मर्तबा अली अकबर कहते हैं, मौला अरे बाबा पर्ची की अनी सीने में टूट गई है। एक मर्तबा हुसैन ने आस्तीनों को चढ़ाया, नजब का रुख किया, या अली दरे ग़ैबर उखाना आसान है, जवाहरलाल के सीने से अनी निकालना मुश्किल है। या अली कहा, अनी का फल पकड़ा, बाहर निकाला, अरे अनी क्या निकली, अली अकबर का कलेजा निकल आया। आसमान से आवाज आई, आओ अली अकबर, हम तुम्हें सैराब करेंगे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم بار إله إمام کے ظہور میں تعجیل فرما بار إله ہمارے اعمال کو قبول فرما بار إله محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھ بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ بار الہ دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ان کو نیست و نابود فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق نیست و نابود فرما بار الہ ہماری جتنی بھی شرعی حاجتیں ہیں ان کو پورا کر دے بار الہ دوبارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم